नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण के इस कार्यक्रम में, जिसका टाइटल चल रहा है जानो और सीखो, मैं विश्लेषण करता हूं, सिखाने का प्रयास करता हूं। आज एक महिला जातक की कुंडली ली गई है, फीमेल की कुंडली। यहां पर कुछ चीजें हाईलाइट की गई हैं, कारण आदि को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कई कार्यक्रम में मैंने आपको बताया भी है कि ये विज्ञान में इनका कैरियर रहा, यानी रिसर्च फील्ड में रहा। एक तरीके से ये वैज्ञानिक ही थी, विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च करना इनका काम था। मीन लगन की कुंडली है, लगन का स्वामी गुरु है, अष्टम भाव में बैठा है, मेष राशि है, राशि का स्वामी मंगल नीच का होकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है। अब ये विज्ञान में इनका कैरियर रहा, रिसर्च में कैरियर रहा, और एक तरीके से इनको काफी अपने काम के लिए सम्मान भी मिला था। व्यवसायिक कौशल और विज्ञान में इनकी बड़ी निपुणता थी, इनका बड़ा नाम हुआ करता था, यानी कार्य क्षेत्र पे इनको काफी सम्मान की दृष्टि से इनके कामकाज के लिए देखा जाता था। दूसरा, इनका सहकर्मी से प्रेम हुआ, फिर इसके बाद काफी पतन भी हुआ। तो इस कुंडली में वैवाहिक जीवन की भी स्थिति का आकलन हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखिए, लग्न गुरु है, लग्नेश अष्टम में है, लगन से हमारी अभिरुचियों का पता चलता है। तो चीजों का निचोड़ निकालना, गहराई में जाना, ये लग्नेश के अष्टम में आने से होता है। साथ ही साथ आयु भी बढ़ने का काम यहाँ से होता है, आयु अच्छी मिलती है। यही गुरु दशमेश भी है, दशमेश अष्टम भाव में है, तो यहाँ पे मेडिकल का फील्ड बनता है, रिसर्च का फील्ड बनता है। जब भी दशमेश अष्टम में आए तो ये रिसर्च में वैज्ञानिक थी, तो चीजों की खोज वगैरह करना, गूढ़ चीजों को निकालना, छाट बीन करके वही काम रहा होगा, तो यहाँ पर कैरियर इनका स्पष्ट होता है। अब ये पढ़ाने का भी काम की थी, गुरु दशमेश है यहाँ है, तो जो विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च कर रहा है वो पढ़ाएगा, और साथ ही साथ अपने रिसर्च वर्क को जारी रखेगा। वैज्ञानिक लोग भी पढ़ाने का काम करते हैं, अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो इन्होंने पढ़ाने का भी काम किया था। अब यहाँ पर इनकी कुंडली में देखिएगा कि जो ये बुध है, बुध यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी है, और पंचम भाव किसका होता है, प्रेम का होता है। तो सप्तमेश पंचम भाव में आकर के बैठा है, और बहुत बार आपको यह चीज बताया हूं कि जब भी सप्तमेश का संबंध पंचम भाव से बने तो दिल में प्रेम की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जो सप्तम भाव का स्वामी है, अगर उसके साथ में शुक्र का इन्फ्लुएंस आ जाए, उसके साथ चंद्रमा का इन्फ्लुएंस आ जाए या मंगल का इन्फ्लुएंस आ जाए, तो भी प्रेम के बीज स्फुटित होते हैं, यानी प्रेम विवाह की इच्छा बनती है। तो यहाँ पे सप्तमेश बुध मंगल के साथ ही बैठा हुआ था, ऊपर से मंगल और चंद्रमा का राशि परिवर्तन भी हुआ है। राशि परिवर्तन और कैसे हुआ है, मीन लगन में। चंद्रमा भी लगन का मित्र है, मंगल भी लगन का मित्र है, तो ये जो राशि परिवर्तन हुआ है यह एक अच्छे राजयोग की तरीके से काम करेगा। अगर यही राशि परिवर्तन किन्हीं दो ऐसे ग्रहों का हुआ होता जो लगन के मित्र ना होते, तो हल्का राजयोग होता, वह उतना प्रभावशील ना होता। क्योंकि इनकी जो राशि है, जो लगन है, उसके दोनों के ही ये चंद्रमा और मंगल मित्र हैं, इसलिए यह राशि परिवर्तन काफी मदद किया। अच्छा, एक चीज और अनुभव करिएगा, जब भी प्रेम प्रसंग वगैरह की बात आती है, लव लाइफ की बात आए, और मंगल नीच का हो, कुंडली में किसी भी भाव में नीच का हो, विशेष रूप से पंचम सप्तम द्वादश में, तो ऐसे लोग प्रेम में बड़े जिद्दी होते हैं, यानी ये अपने प्रेम को पा लेना ही चाहते हैं, पूर्ण रूप से जिद्दी होते हैं कि मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, वो अच्छा बुरा समझने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे प्रेम का भी योग बन गया है, और मंगल चंद्रमा का राशि परिवर्तन भी एक कारण यहाँ पे बन रहा है।
अब यहां पे हुआ क्या, शुक्र को देखिए, एक बात याद रखिएगा, शुक्र किस चीज का कारक है, शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए क्या है, प्रेम है। शुक्र क्या है, वैवाहिक जीवन का रस है। शुक्र क्या है, वैवाहिक जीवन में जो एक उमंग होता है वह है, यह जो है आपके अंदर उमंग प्रेम रस विवाह के बाद भी बना रह पाएगा कि नहीं, यह शुक्र बताता है। अगर शुक्र किसी भी कुंडली में छठे आठवें या बारहवें भाव में बंध्या राशि में हो, बंध्या राशि किसको बोलते हैं, सूर्य की राशि 5 नंबर बंध्या है, बुध की राशि 3 और 6, यानी राजा और युवराज की राशियों को बंध्या राशि बोलते हैं। जब भी सप्तमेश या सप्तम भाव में बैठा ग्रह शुक्र बंध्या राशियों में जाते हैं तो समस्याएं आती हैं व्यक्ति को प्रेम में, शुक्र तो प्रेम का कारक है। अगर यह छठे आठवें बारहवें में जाकर के बंध्या राशि में आएगा तो व्यक्ति को प्रेम मिल पाए वास्तविक इसकी कमी रहती है। देखिए शादी के पहले की स्थिति और शादी के बाद की स्थिति में अंतर होता है। शादी के पहले तो सब अच्छा ही अच्छा रहता है, रंग तो उसके बाद निकलते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, इनका तो प्रेम प्रसंग था, लेकिन विवाह के बाद इनको पता चला कि इनका जो पति है वो पौरुषहीन है, यानी यहाँ पर विवाह के पहले किसी भी प्रकार का फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हुआ था या पता चल जाता, क्योंकि ये चीज इनको विवाह के बाद पता चली थी, पौरुषहीन होना। अब इसी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो जो शुक्र है प्रेम रस का कारक, वह छठे भाव में है, बंध्या राशि में है। सूत्र मैंने आपको बता दिया, नोट कर लीजिएगा, शुक्र छठे आठवें बारहवें भाव में अगर बंध्या राशि में होगा तो वैवाहिक जीवन में ऊंच नीच लगा रहेगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी का एक कारण बनेगा। सिर्फ इसी कारण से वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा ये नहीं कह रहा हूं, यह एक कारण बनेगा परेशानियों का, तकरार का। अब अन्य योग भी बनेंगे तो प्रभाव ज्यादा मिलेगा। इसी कुंडली में द्वितीय भाव में देखिए शनि और चंद्रमा की युति है, कुंडली किसकी है, फीमेल की। अब यहां पर एक विशेष नियम और याद करिए, क्या स्त्री की कुंडली में विष दोष उसके दाम्पत्य जीवन को पूरा बर्बाद करता है। कितना भी अच्छा व्यक्ति पहले रहा हो, आपसे प्रेम करता रहा हो, विष दोष है तो वही व्यक्ति शादी के बाद आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगा। लव मैरिज करिए चाहे अरेंज मैरिज करिए, विष दोष वाली कन्याओं में शादी के बाद पति उनके ऊपर अटेंशन नहीं देते हैं, ऐसा बहुत बार देखा जा चुका है। यहां पर शनि नीच राशि में भी है, शनि नीच राशि में है, चंद्रमा इसके साथ में बैठा हुआ है और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का भी नहीं है, यानी चंद्रमा में बल भी नहीं है, चंद्रमा सूर्य के पीछे है तो कृष्ण पक्ष का है। चंद्रबल थोड़ा अच्छा हो तो भी यहाँ पर बातें कुछ सुधर जाती हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा बिगड़ा है। स्त्री के लिए पति का कारक कौन होता है, गुरु होता है। कहाँ बैठा है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, यानी वैवाहिक सुख को खराब करने वाले काफी योग बने हुए हैं। ये जो सप्तमेश बुध है ये भी अस्त है इस कुंडली में, सप्तमेश बुध सूर्य के साथ यहाँ पर अस्त हुआ बैठा हुआ है, तो यहां पर मैंने मेंशन भी कर दिया सप्तमेश बुध जो है अस्त है, शुक्र बंध्या राशि में वो भी छठे भाव में है और विष दोष बना है, इसलिए इनका पूरा वैवाहिक जीवन नारकीय रहा। हुआ क्या, विवाह के बाद इनको पता चला कि पति जो है पौरुषहीन है, पुरुषत्व तो नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे इनके अंदर इरिटेशन आने लगा, इरिटेशन आने के कारण से इन्होंने सोचा कि चलिए समय बिताने के लिए, तनाव कम करने के लिए एक पुत्री को गोद ले लिया जाए, इन्होंने एक पुत्री को गोद ले लिया। धीरे धीरे पुरुष भी इनके प्रति उदासीन होता चला गया तो इनकी भी उदासीनता बढ़ती चली गई, चूंकि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, विवाह के बाद जब यह चीज पता चलेगी तो जीवन पे आफतों का पहाड़ टूटेगा, बिल्कुल जो है मनोभाव बदल जाएगा, वही वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वही वाली बात हो जाती है ना, तो यहाँ पे वही स्थिति हुई। तो इनका जो हस्बैंड था वो इनको एक सिर्फ जैसे पहले के समय में होता था कि स्त्रियां सिर्फ काम और आदेश फॉलो करने वाली एक मशीन है, उसी तरीके से इस्तेमाल करना ये चाहने लगा। शुरू में इसने जो है इनसे 40 लाख रुपए लिए और 40 लाख रुपए
शुरुआत में तो उतनी कोई दिक्कत नहीं आई, शुरू में इनको पता भी नहीं चल पाया कि परेशानी कहाँ से है, क्यों है, शायद टेम्परेरी है, सही हो जाएगा। उसी दौरान 40 लाख रुपए इनसे लेकर के इनके पति ने अपने नाम पे मकान ले लिया, मकान अपने नाम पे लिया, पैसा इनका लिया। यहाँ धन हानि का भी साफ साफ योग दिख रहा है। अस्पष्ट सी बात है, भाव में नीच का ग्रह शनि है और भावेश भी नीच का है, तो दुष्परिणाम आना ही आना है। और वह दुष्परिणाम आया कहाँ से, प्रेम के माध्यम से, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का होता है और जब मंगल नीच का हो तो जातक प्रेम में अंधे से हो जाते हैं, चाहे नीच का हो या उच्च का हो, तो मंगल बड़ा जिद्दी ग्रह है। तो 40 लाख रुपए भी लिए, अपने नाम पे लिए, वो भी वापस नहीं किया। बाद में मारपीट होना शुरू हो गया, वह इनको मारने लगा, प्रताड़ित करने लगा। फिर ये एक दिन ऐसी स्थिति आई कि इनको जो है ज्यादा मारपीट दिया, सिर फूट गया, टाके वगैरह लगे, ये अपने घर चली गई। घर जाने के बाद में इनका मैटर कोर्ट में गया, तलाक की प्रक्रियाएं शुरू हुई। तो इस कुंडली में मुख्य रूप से वैवाहिक जीवन अगर आप जनरली देखेंगे तो लगेगा ठीक है, नहीं ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है सातवां भाव जो है शुभकर्तरी में भी नहीं है, इधर केतु क्रूर ग्रह भी बैठा हुआ है, सप्तमेश अस्त है, विष दोष है और प्रेम का कारक ग्रह भी बंध्या में है, गुरु भी अष्टम में चला गया। आयु इनको लंबी मिलेगी क्योंकि गुरु अष्टम में बैठा है, ऊपर से शनि की दृष्टि भी है। आगे ये जो गुरु चंद्रमा को देख रहा है ना, इसने इनको जीने का हौसला प्रदान किया हुआ है। साथ ही साथ बृहस्पति की चतुर्थ भाव पर दृष्टि आई है, तो चूंकि नौकरी है, घर इनको वापस फिर से बना लेंगी, घर गाड़ी वगैरह ये सारे सुख धीरे धीरे ये बना लेंगी। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए जो राहु बैठा हुआ है 12वें भाव में, 12वें का राहु क्या करता है कि अगर आपके जीवन में थोड़ा सा कुछ अच्छा हो जाता है जो आप चाहते हैं उस प्रकार से, तो यह राहु जो है बहुत हसीन सपनों को बढ़ा देता है, शेख चिल्ली के सपने दिखाने लगता है। प्यार इनको मिल गया, इनका प्रेम जो है सहकर्मी से ही, वह भी वैज्ञानिक ही था, इनको वह बातचीत से बड़ा टैलेंटेड और बुद्धिमान लगता था। तो फिर उसके बाद बड़ी जल्दी 12वें का राहु इमेजिनेशन को, कल्पनाओं को बहुत जल्दी जल्दी विकसित कर देता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पाल लेता है, तो बड़े जल्दी जल्दी ही उसके प्रेम में ये बहुत ज़्यादा संलिप्त होती चली गई और पूरी डिटरमिन हो गई कि विवाह इसी से ही करना है। अब इस कुंडली में अगर साथ ही साथ उपाय भी बताते रहते हैं, देखिए शनि नीच का है, शनि का उपाय, विष दोष का उपाय। एक चीज आप जानते हैं, जब ग्रह किसी चर राशि में होता है तो उपाय जल्दी काम कर जाते हैं, द्वि स्वभाव में होता है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, ज्यादा प्रयास करना पड़ सकता है। और स्थिर राशि में जो ग्रह बैठे होते हैं उनके उपाय तो किए जाने चाहिए, लेकिन काम कब करेंगे, कितना करेंगे, ये पता नहीं है। 10% 20% ही असर आएगा स्थिर राशि में बैठे हुए ग्रहों का उपाय कुछ नहीं कह सकते। द्वि स्वभाव में बैठे हुए ग्रहों का लाभ, उपाय का लाभ 50% मिल जाएगा। चर राशि में बैठे हुए ग्रह चूंकि चर है तो उनके फलों को हम चलायमान कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। यानी वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पर हम अपने अनुसार परिवर्तन कहीं कहीं कर पाते हैं, कहीं कहीं कुछ कर पाते हैं, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो वही स्थिति कुंडली में भी बनती है। ये कुंडली में आपको विषय वस्तु समझ में आया होगा। अब आपके लिए एक प्रश्न यहाँ पर हम छोड़ते हैं कि अगर किसी कुंडली में वैवाहिक जीवन से को बिगाड़ने वाला कोई दोष बना है, जैसे विष दोष बना, यहाँ पे शुक्र जो है बंध्या राशि में गया, भाव भावेश को भी देखेंगे, वैवाहिक जीवन को बिगाड़ने वाले अगर कोई दोष बने हैं तो वे किन नक्षत्रों में बने तो ज्यादा दुष्प्रभाव देते हैं। ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ। उग्र नक्षत्र में बनेंगे तब ज्यादा दुष्प्रभाव देंगे, मृदु में बनेंगे, तीक्ष्ण नक्षत्र में बनेंगे तब ज्यादा दुष्प्रभाव देंगे, या फिर लघु नक्षत्र में बनेंगे तब ज्यादा दुष्प्रभाव देंगे, या दीर्घ नक्षत्र में बनेंगे तब। किस प्रकार के नक्षत्रों में कुंडली का दुर्योग ज्यादा प्रभावशील हो जाता है और उसके फलों को उपाय के द्वारा बदलना बहुत हद तक संभव नहीं होता है, ये आप लोग बताएंगे।